एवरीवन, हेलो जी, वेलकम टू द लाइव गाइस। बहुत दिनों बाद लाइव आ रहे हैं। मम्मा की तबीयत खराब है, सब लोग समझ रहे हैं दादी की तबीयत खराब है, बट तबीयत मम्मा की खराब है, मैंने लिखा था। हाय एवरीवन, सत श्री अकाल जी। हेलो जी, हाय गाइस, कैसे हो सारे? हेलो जी, सत श्री अकाल। दो दिन बाद सेल आर्टिकल ही कौन देख रहा है? संडे और मेरी आई ना लाइफ, संडे मंडे ट्यूसडे है ना, आज दो दिन हो गए ना। दुकान पे किसी का मन भी नहीं लग रहा। किसने कहा? मेरे से का नाम से पूछ रही थी। सुप्रिया नागपाल कह रही हो, प्लीज टेक केयर दासू दीदी। सो गाइस, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए मम्मी लाइव नहीं आ पा रही थी। थोड़ी सी खराब थी? डॉक्टर ने मम्मी को नहीं, बहुत ज्यादा खराब थी। बॉडी एक था, मम्मी को फिर हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर अब बेटर है, दवाइयाँ चल रही हैं, फुल बेड रेस्ट बोला हुआ है डॉक्टर ने, तो अभी तो वेंसडे तक फुल बेड रेस्ट है मम्मी का। अब तो काफी रेस्ट हो गया गाइस, लेकिन बॉडी पेन इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है बॉडी, एक मैं आपको बता नहीं सकती। बॉडी पेन, बॉडी टूटती है जैसे, है ना, पूरा बॉडी एक में मुझे तोड़ दिया गाइस। और ये क्या, कैसे हुआ ये वायरल? ये सैटरडे को जिस दिन मैंने बारिश का डाला था, मैं थोड़ी सी बारिश में भीग गई थी, मम्मी को भूख लग रही थी और मम्मी भाग भाग के बारिश में, मगर मैं अम्ब्रेला लेके आई थी, उसके बावजूद भी मेरे को ठंडे पकड़ लिया। और आई डोंट नो, संडे मॉर्निंग मैंने वेक अप, संडे मॉर्निंग या तो ये नहीं, रात को ही आपको तबीयत खराब हो गई थी, मम्मी के रात को ही गला दर्द होने लगा। संडे बट सैटरडे घर पे मम्मी में और दादी थे, तो मम्मी को डोलो दे दी और मम्मी फिर सो गई थी। सैटरडे नाइट मैंने मेडिसिन ली, सैटरडे नाइट तो मैं सो गई, फिर जब संडे मॉर्निंग उठी, ओ माय गॉड, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और आपको पता गाइस, ये सोई भी थी और इसको मेरी दीदियां, इसको मैंने एक दीदी, मम्मी गई थी सेंट्रल हॉस्पिटल, तो मेरे पास में ही था, तो पापा ने फटाफट लेके गए, तो मेरे को किसी दीदी को, मैं सो के उठी, मैंने इंस्टाग्राम भी चला रही थी, मेरे को इतना पता था कि मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हुए या घर पे, मुझे नहीं पता नहीं था। तो क्या हुआ, मेरे को ऊपर से मैसेज आया किसी दीदी का कि जैस्मिन दीदी को क्या हो गया, गुरमेह है जैस्मिन दी, पैरों में क्या हो गया, वो रो रही है हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल में। मैं बहुत रो रही थी उस दिन। मैं शॉक में, मैं दादी को फोन किया, मैंने कहा क्या हो गया मम्मी को, फिर मम्मी पापा पता चला हॉस्पिटल गए हुए हैं। फिर मैंने पापा को फोन किया, पापा कह रहे बुखार है नॉर्मल, वो बॉडी वायरल है। नहीं, मेरे को ना बुखार मेरे सिर पे चढ़ जाता है गाइस, वो इतना ज्यादा हो जाता है, जब तक मुझे इंजेक्शन ना लगे ना मुझे ठीक ही नहीं होता। और गाइस, उस डॉक्टर ने, मेरे हस्बैंड वैसे मुझे कभी भी नहीं लेके गए सेंट्रल हॉस्पिटल, हमेशा मेरे को साइकिल, इमरजेंसी थी तो इसलिए लेके गए, और उसने मेरे को इंजेक्शन भी नहीं लगाया अभी तक। मैं तड़पती रही कि मुझे लगा दे इंजेक्शन। उसने मेरा शुगर चेक कर लिया, उसने मेरा सब कुछ चेक कर लिया, यहाँ पे दो टीके लगा दिए, मगर गैस के लगा दिए टीके, मगर लेकिन दर्द के तो बॉडी पेन था, तो बॉडी पेन का लगाया नहीं, नहीं लगाया। फिर भी मम्मी ने मेडिसिन ली जो उन्होंने लिखी थी, तो बहुत बेटर हो गई मम्मी। कल तो बहुत बुरी हालत थी, बट कल से ज्यादा संडे को तो भाई साहब, मैं कहाँ थी, आई डोंट नो, मतलब हॉस्पिटल में भी मम्मी बेहोश थी, ऐसा था। संडे मैंने कोई फोन नहीं देखा, संडे मंडे दोनों दिन मैंने कोई फोन नहीं देखा, मेरा फोन मेरा बच्चा ही संभाल रहा है, मुझे कोई खबर नहीं थी दीन दुनिया की, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। प्रॉपर डाइट ले रही है मम्मी, आलू की परांठियां खा रही ये बहुत गंदी बच्ची है मेरी, नजर इज रियल दीदी, नजर की कोई बात नहीं होती यार, वायरल चल रहा है। वैसे भी दुकान पे तुम कितने कस्टमर को मिलते हो, किसी को नहीं पता है क्या इन्फेक्शन किसी में है, किसी से मिल रही हो, नजर नहीं होती है दीदी, ठीक है अगर आप लोगों को लगता है, मगर नजर उतार दी है दादी। मदर इन लॉ ने तो उसी दिन सेम डे मेरा बेटे ने बोला कि दादी मेरी मम्मा की ना पहले नजर उतार दो। मैं भी हॉस्पिटल से आई भी नहीं, मैं बेहोश थी, मुझे नहीं पता था उस दिन संडे को मैं कहाँ थी। संडे इज अ वेरी बैड डे फॉर मी गाइज, मेरे को संडे कब सुबह हुई, मुझे कैसे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए, कैसे वापस लेके, इन बच्चों ने मुझे ऊपर चढ़ाया, मेरे से ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा था, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे कैसे चढ़ी हूँ, दोनों बच्चों ने मेरी हेल्प करी है। और आप मानोगे नहीं, संडे कौन सा दिन था, संडे को मैं बेहोश पड़ी हूँ, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी नजर उतारी, बच्चे कह रहे दादी ने आपकी नजर भी उतार दी है, और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ गई, कौन सी दुनिया में, और अभी भी मेरे यहाँ भी सबको ये इशू हो रहा है जो आपको हुआ। मैं वही कह रही हूँ ना, जो वायरल है ना ये वाला, इसमें बहुत ज्यादा बॉडी पेन है, मतलब एक्सट्रीम, इतनी बॉडी, और अभी भी लिटरली मैं तैयार हुई, मेरे नाइट सूट नहीं, मैंने पैंट टॉप पहनी कि मेरे को डॉक्टर चेंज कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने कहा कि अब डॉक्टर चेंज कर लेगा, तेरे को कोई फर्क नहीं लग रहा दो दिन से, मैं कहा देखो फर्क है, आज काफी बेटर है, गला दर्द नहीं है आज,
नहीं तो 2 दिन से गला भी बहुत दर्द था। बट लेकिन मैंने इनको बोला कि अभी मैं अभी तीसरा दिन है आज, 5 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने, 5 दिन तो खत्म होने दो दवाई के, क्योंकि हमेशा हर एक चीज को टाइम लगता है। अब मैं कहूँ इंस्टेंट एकदम से खड़े होके मैं लाइव ही करने लग जाऊंगी, पॉसिबल, बॉडी ही नहीं मेरे को रिप्लाई दे रही, नहीं होगा, मम्मी लिटरली पैर भी नहीं उठा पा रही थी। मतलब ऐसे तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हम लाइव नहीं आए थे। मैं लाइव नहीं आ पा रही, मैं स्टोरी नहीं बना पा रही, मैं आप कुछ भी नहीं दिखा पा रही आपको, कपड़ों से लेके अपना कुछ भी, मेरा जो डेली रूटीन है, मैंने प्लिक्स पी रही हूँ, मैं बॉडी वाइज गमीज खा रही, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर से कि मैं कोई एक स्टोरी भी बनाऊँ। मैं अभी लेटी हुई थी तो मेहर कहती मम्मा लाइव आए 5-10 मिनट के लिए। मैंने कहा मेहर तूने क्या लिखा था स्टोरी पे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। मैंने कहा तूने क्या लिखा था स्टोरी पे, मुझे नहीं पता, क्योंकि सब लोग मेरे से मैसेज करके पूछ रहे हैं हाउ इज योर मॉम, हाउ इज योर मॉम। मैं कहा मेरी मॉम को क्या हुआ है, मम्मी को तो, मदर इन लॉ तो रोज दुकान जा रही है। मैंने कहा मुझे हुआ है, मैंने इसको बोला, इसने इस लड़की ने मॉम लिखा मुझे, और आप लोगों ने लिख समझा मैंने लिखा है अपनी मॉम के बारे में। बट ऐसा नहीं है, डेंगू टेस्ट नहीं कराना, डेंगू नहीं है, एवरीथिंग इज ओके नाउ। बस हाँ थोड़ा सा मेरे को बॉडी पेन अभी भी बहुत ज्यादा है गाइस, मतलब कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो मेरे को दर्द ना हो, अंग अंग में दर्द है गाइस, सिर से लेके पैर के टो तक, मतलब मेरे को पेन ही है, मेरी कोई भी ऐसी जगह नहीं है। मेहर ने दबाया, प्रभु ने दबाया मेरे को, ये लोग मतलब दबाने में लगे हुए कि मम्मा ठीक हो जाए, बट हाँ अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। वायरल है, टाइम वायरल को कम से कम 1 हफ्ता चाहिए होता है अपने ठीक होने के लिए। दीदी काजल दीदी शॉप को मैं थोड़ी ना ओपन करती हूँ, वो वैसे भी बच्चे ही ओपन करते हैं, मेरा स्टाफ ओपन करता है, मेरे पास मैनेजर है दोनों शॉप्स पे, मैं नहीं शॉप देखती, शॉप तो ऑलरेडी ओपन है। मैं बीमार हूँ तो मेरी शॉप थोड़ी ना बंद रहेगी, जाने मन शॉप्स दोनों ओपन है, दोनों में अच्छा काम है, मेरे पास उल्टा टाइम नहीं है। कल अमेरिका से दीदी आई, उनकी मैंने आप मानोगे मेरे हस्बैंड के फोन से मैं बात कर रही थी और मैं उनको कैमरे में देख रही थी, तो मैंने टेक अ स्क्रीनशॉट ली, क्योंकि वो मेरे से मिलने आए थे, शॉपिंग भी करी उन्होंने, बहुत सारी शॉपिंग करी, इनफैक्ट उन्होंने 50 कॉट सेट्स लिए और मैं उनको मिल नहीं पाई, आई एम रियली वेरी सॉरी टू देम। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं वो स्क्रीनशॉट अपनी एक डाल दूंगी स्टोरी पे कि वो मेरे से पिक्चर कराने आए थे, बच्चे सारे टोरंटो से आए थे, कनाडा से, उन्होंने कहा आप जिस दिन नायग्रा फॉल आए थे हमने आपसे मिलना था उस दिन, बट यही है टाइम शॉर्टेज था, आपके पास भी बहुत टाइम का शॉर्टेज था तो हम वहाँ पे नहीं मिल पाए, हमने सोचा इंडिया जाके मिलेंगे, इंडिया में भी नहीं मिल पाए, वो लोग चले गए हैं। नो वरी, बहुत प्यार मिलता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आप लोगों की, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक हो जाऊंगी, नजर लगी निशा दीदी, अब इसको नजर ही कह लो, इसको कुछ भी कह लो, जो आया उसको अच्छे से पॉजिटिवली लो, बाबा जी ने दिया दर्द दुख दर्द दिया तो किसी के लिए क्या दिया, बट ठीक है, बीमार है, हो जाऊंगी ठीक, नॉट, मैं बहुत, वैसे तो मैं बहुत पावरफुल हूँ गाइस, हाँ बट कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ टाइम में कि आप अपनी हार मान लेते हो। मैंने हार मान ली थी संडे को, मैं इतना रोई हूँ संडे को गाइस, संडे मॉर्निंग इज लाइक वर्स्ट मॉर्निंग इन माई लाइफ, क्योंकि वो इतना पेन था कि मैं उतर भी नहीं पा रही थी नीचे, मेरे हस्बैंड ने मुझे कैसे उतारा, बच्चे ने मेरी हेल्प करी ऊपर चढ़ाने में, मतलब टफ था वो। ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज, आप लोग हो ना मेरे साथ, मुझे पता है इतना प्यार मिल रहा है ना गाइज, इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार कि मैं बाबा जी से क्या मांगूंगा, मेरे को लगता है कि मेरे पास अब कुछ मांगने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो बैठे बैठे तो सब कुछ दे देते हैं, जैसे तुझे सब कुछ मिल जाता है गाइस, एक ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है। हाँ अब ये जो ये दर्द आया है उसको टाइम लगेगा और मैं जल्दी रिकवर करूंगी गाइज, आई एम कमिंग बैक लाइव ऑन थर्सडे पक्का से, मैं हम ट्राई कर रहे हैं, बट अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी तो मम्मी नहीं आएंगी। नहीं नहीं मैं ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ठीक हो गए तो ठीक हो क्या, नहीं आज शाम को मैं डॉक्टर चेंज कर रही हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ आज शाम को, मैंने इसने अभी ली थी मेरी अपॉइंटमेंट, बट लेकिन 57 नंबर था और 32-28 चल रहा, और वो डॉक्टर चले जाते हैं 1:30 बजे और फिर शाम की अपॉइंटमेंट वही आगे हो जाएगी गाइस, अब शाम को देखती हूँ अगर इसके साथ होके आऊंगी मैं एक बार डॉक्टर के पास। और गाइस इसने पता नेल लड्डू पीले कलर के कल करा लिए और मुझे कह रही मम्मा गैस करो आप मैंने नेल्स कौन से कलर के कराया, मैंने कहा कह रही आपने स्टोरी देखी, मैं बच्चे मैंने स्टोरी नहीं देखी, मैंने अभी तक उसकी स्टोरी नहीं देखी, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि मैं कोई स्टोरी देख पाऊं,
मेरे को कह रही है आप दे, आप बताओ गैस करो. मैंने कहा, मैंने ऐसे ही गैस कर दिया लड्डू पीले कलर के, और सच में लड्डू पीले कलर के ही नेल्स कराए हुए. हाउ इज योर ब्रदर? भाई बिल्कुल ठीक है, घूम फिर रहा है वो दोस्तों के साथ, और कोई काम नहीं है उसका. वो तो ठीक हो गया, वो तो बहुत ब्रेव बॉय है हमारा, हमारा बहुत अच्छा बच्चा है. चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, ध्यान रखो. पहले आराम फिर काम. हाँ आराम कर रही हूँ. अगर कुछ दुख देता है बाबा जी तो आराम करके वो ठीक भी तो हो जाता है. वायरल होता है, सबको होता है. अब कोविड आया था, कितने लोगों को कोविड हुआ, कोई दुख थोड़ी दे रहे हैं बाबा. मुझे भी हुआ था कोविड. हाँ, सबको हुआ था हमारे घर में. मुझे एक बार ही हुआ था. मुझे भी एक बार ही हुआ. नहीं, मुझे दो बार ही हुआ. मुझे तेरे से हुआ था. क्यों? मुझे हुआ था इससे. मेरे को कोविड हो गया था, मुझे पता चल गया था. मम्मी मुझे कोविड, मम्मी मान ही नहीं रही. मम्मी बोल रही है देखो कोविड ही नहीं हुआ, मैं मान ही नहीं सकती. मैंने कहा भाई मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा, मुझे स्मेल नहीं आ रही, मुझे कोविड हो गया. मम्मी मान ही नहीं रही. मैंने कहा चलो टेस्ट करवाने. ठीक है, अब टेस्ट करवाने गए हम कोविड का. टेस्ट में आ गया पॉजिटिव, और मम्मी मेरे साथ गई थी. मम्मी को बोला भी मास्क लगा के चलना, बट मम्मी ने मास्क नहीं लगाया. मम्मी मानी नहीं, तो मम्मी जी अपना, फिर मम्मी को भी हो गया मुझसे. जो पहला कोविड हुआ आया था ना, सबसे पहले पापा को हुआ था. पापा के बाद मेरे को मेयर से हुआ. हाँ, फिर मेरे मैं इसको स्कूटी पे घुमा रही हूँ. मैं कोविड हूँ और मम्मी मेरे साथ स्कूटी पे मेरे को टेस्ट करवाने लेके जा रही थी. फिर मम्मी को भी हो गया था मेरे से, फिर मेरे भाई को हो गया, तो फिर दादी को हो गया था. जासमीन दीदी, प्रिया दीदी, आई एम लिटिल बेटर हूँ. थोड़ी सी बेटर हो गई हूँ, लेकिन यही है कि देखो कोई भी चीज आती है ना, अगर कोई भी चीज. अब प्रिया दीदी कहती मम्मा से बात कर लो, उनकी मॉम डॉक्टर है ना. तो मैंने कहा नहीं, अब ओके हूँ, दवाइयाँ चल रही है, एंटीबायोटिक्स. यार जब तुम दवाइयाँ खाते हो, अभी देखो मुझे होश नहीं होता गाइस. अभी मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी मेडिसिन खाई है. अब मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, जबकि आपको मालूम है मैं एसी नहीं चला रही. बिना एसी के कल रात भी सोई हूँ, पंखे में भी मुझे ठंड लग रही थी. कंबल करके मेरे हस्बैंड कहते कैसी लड़की है, देखो गर्मी में भी ठंड लग रही है. तबीयत खराब होती है तो ऐसे ही होता है. मैं कंबल ओढ़ के कर जा रही, मुझे इतनी ठंड लग रही थी खाई कर. मम्मी ने शीरा बना के दिया कि थोड़ा शीरा पी, थोड़ा हेल्दी खाना खा, ताकि थोड़ा थोड़ी हेल्थ थोड़ी सही हो, इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना. और एसी में ज्यादा मत रहना, एसी में तो रह ही नहीं पा रही. लव जी दीदी, हस्बैंड उल्टा गुस्से में है. रखो सब, ये वेरिएंट है कोविड का, मेरे को भी यही लग रहा था. ऐसे यार मेयर, क्योंकि कोविड में भी शरीर टूटता है, इसमें भी इतने शरीर टूटता है. बात तो कोविड कोविड कर रही हो तो मतलब तुम गाइस कुछ भी ना, मतलब कुछ भी ऐसे बकवास मत करो. भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ. हाँ कुछ भी मतलब. मैं तो राखी के दिन 103 फीवर के साथ थी. सूप लो. हाँ, रात को सूप पीती थी. सूप बनवा. सही कह रहे हैं. आजकल डेंगू है. डेंगू नहीं है, मम्मी को टेस्ट करवा ली, डेंगू नहीं. सब कुछ इज, एवरीथिंग इज ओके. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कोई डेंगू पेंगू मेरे को नहीं हो सकता. ठीक है, बुखार है, वायरल आया, अभी ठीक हो जाएगा. अभी दो दिन और लगेंगे रिकवरी में. ठीक है, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, सच्ची में जान नहीं है. अगर बॉडी में जान होती ना गाइस, आई एम श्योर मैं अपनी शॉप पे मिलती आप लोगों को. बट लेकिन बिल्कुल बॉडी मेरी उठने नहीं दे रही मुझे, बेड से सोफे से. शॉप भेजो, मैं शॉप जाती हूँ फिर आती हूँ. मैं जाती हूँ फिर आती हूँ. मैं तुम्हें चाबी लाई थी वहां से. नहीं लाई, मैं चाबी लेकर आ पहले. क्या हुआ दीदी आपको? यार मुझे वायरल हो गया है, मुझे कब ठीक होगा वायरल मुझे नहीं पता. और गाइस इतनी सारी गुड न्यूज पेंडिंग है, इतना कुछ आने वाला है आने वाले दिनों में, और इतना कुछ होने वाला है, मगर मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ही पड़ गई हूँ बेड पे. मतलब मैं क्या करूँ. मैं ये कह रही थी कि ठीक है बाबा जी ने अब दिया तो दर्द दिया, कोई बात नहीं, दो दिन और सही गए. कल वैसे भी वेनसडे, आज का दिन रेस्ट हो गया, कल वेनसडे भी रेस्ट करूंगी. थर्सडे को मे भी थोड़ा बेटर हो जाऊंगा, जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाऊंगी थर्सडे तक बेटर. मैंने ना 3 दिन से तो आई टेकिंग माय मेडिसिन, आ थर्ड डे है अभी. थर्ड डे की सेकंड डोज रहती है, दो दो डोज खानी है सुबह और रात, सुबह और रात. और सेकंड थर्ड डे की खानी है. 5 डेज का मेरा पूरा वो है. कीवी खाओ. क्या खाओ? कीवी. हाँ थोड़ा फ्रूट ही मंगा ले. तू कहती मम्मा फ्रूट मंगाना है, मंगा ले थोड़ा सा फ्रूट ही. हाँ मैंने उसको बोला कल एप्पल खाया था मैंने, कल एप्पल खत्म हो गया. आलमंड सूप. हाँ प्रिया दीदी कल कह रही थी मुझे बताओ कुछ बना के भेज दूं, मैं भेज देती हूँ. सो नाइस ऑफ यू दीदी, थैंक यू सो मच. कुछ नहीं चाहिए. दीदी लाइव तो मैं इसीलिए आई हूँ आप लोगों को अपनी चेहरा दिखाने. 2 दिन बाद मैं संडे और मंडे पूरा गायब थी. 2 दिन मैंने पूरा नारियल पानी पता कितना नारियल आए हुए हमारे घर पे और सारे मम्मी पीती हैं.
मेरे हस्बैंड ने नारियल 10 मंगा दिए थे और दूध दूध के पिलाओ नारियल पानी मैं नारियल पानी ही पी रही हूँ 2 दिन से। कीवी जल्दी मैं कीवी भी मंगा लेती हूँ। प्रिया दीदी फ्रूट तो खाती हूँ मैं रोज, एप्पल खा रही हूँ रोज, हाँ मगर थोड़ा सा फ्रूट मंगा लेती हूँ अभी फ्रेश फ्रूट। चलो जी ओके जी। एनर्जी सारी तो लाइव में बेस्ट कर रहे हो, एनर्जी तो लाइव में लाइव में वेस्ट नहीं, मम्मी को मोटिवेशन मिली थोड़ा। मैं आप लोगों से मिलकर बड़ी खुश होती हूँ गाइस, मुझे आप मानोगे, मैं जब मैया ने बोला लाइव आ रही मम्मा उठ के बैठो, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, अब मेरा मन नहीं कर रहा लेटने का, बिकॉज यू आर माई बूस्टर, आपको पता, अब मेरा दिल नहीं कर रहा लेटने का, मेरे अंदर ऐसा लग रहा है मुझे अंदर पावर आ गई है, मुझे एनर्जी मिल गई है, आप लोग मुझे एनर्जी दे रहे हो, आप लोग मुझे एनर्जी दे रहे हो, मेरे से बोला जा। हैप्पी बर्थडे मैक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मैक ब्रो, लव यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, बाबा जी आपको बहुत सारी तरक्कियां दे, बाबा जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, बाबा जी आपकी सारी जिंदगी की उम्मीदें पूरी करें, बस ब्रो इट्स माय बर्थडे, इट्स योर बर्थडे, ओह गॉड ब्लेस यू। प्रिया दीदी तभी आई हूँ, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जैस्मिन कहाँ गई 2 दिन से, एक्चुअली में मैं गायब थी, मेरे को एनर्जी आप लोगों को देख के आती है, आपको एनर्जी मुझे देख लोगों को आती है, हमारी ना गाइस, मेरी और आप लोगों की एनर्जी ना ट्रैवल होती है, आपको पता है मेरी और आप लोगों की एनर्जी, तो मेरे से थोड़ी दूरी रह, मेरी और आप लोगों की एनर्जी, अब मैं नारियल पानी दे दे, मेरी और आप लोगों की एनर्जी ना ऐसे ट्रैवल होती है गाइस, आपको पता है मैं ट्रैवल करती हूँ आप लोगों के साथ, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी जो है ना आप ले रहे हो और आपकी एनर्जी मैं ले रही हूँ, और आपकी एनर्जी से ना मेरे को इतना बूस्टअप मिल रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं गुरुवेर को वही कहती, अभी मैं बैठ नहीं पा रही थी और मैं आराम से बैठी हुई हूँ फर्स्ट क्लास, मेरा लेटने का भी दिल नहीं कर रहा, नहीं तो मैं खाना खाने के लिए भी नहीं उठ पा रही, मेरे को बच्चे खींच खींच के उठाते, उठो मम्मा, इतनी मेहनत लगती है उठने में, और अब इतना अच्छा लग रहा है मुझे मिलकर आप लोगों से, कुछ बनाकर नहीं प्रिया दीदी, घर में बनाने वाले 3-3 बंदे हैं, मेड, मदर इन लॉ, और सबसे बड़ी मेरी मैडम, मैडम जी पूरी टेक केयर कर रही है, मैडम जी आजकल बनाती है चिकन, बनाती है खाना, बनाती है सब कुछ, मैडम ही बनाती कल है। मैं न्यूज़ स्टोर पे गुरमेहर दीदी से मिली थी। हाँ गुरमेहर ही जाती है, अब जैसे सेल वाला जो स्टोर है खोल दिया गया उस पे भी मेहर ही बिलिंग करने जाती है, बड़े छोटे वाले स्टोर पे कोई आता है तो गुरमेहर चली जाती है पिक्चर कराने, बड़े वाले स्टोर पे भी अभी तो शी इज हेल्पिंग मी, मतलब लाइक इन माय रूटीन, लाइक शॉप पे जो रूटीन है। हो जाओ पार्टी करेंगे। मैग जी मैं आपके लिए, मैग जी मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ, मैं अभी ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, ठीक है? इनका एड्रेस ले लेना। ग्लो का वाटर, ग्लो, ग्लो का वाटर, ग्लो, ग्लो क्या, ग्लो का क्या होता है दीदी, ग्लो का वाटर, सतवीर राजपूत जी कह रहे पागल, थैंक यू, एक पागल ही पागल को पागल बोल सकता है गाइस, है ना। कितने बच्चे हैं अभी, 5 बच्चे, तू ऐसे क्या कर रहा था, वो दिखा रहा है अपने हाथ गंदे हो, प्लिक्स की स्टोरी नहीं डाली, प्लिक्स पे आने वाली है बहुत बड़ी सेल, और मम्मी पीती तो है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बट स्टोरी नहीं कर पा रही क्योंकि तबीयत बहुत खराब है, तो इसलिए मौसम कैसा है आपकी तरफ, बहुत ह्यूमिडिटी है, नहीं गिलो 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 आता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला वेदर हो गया, गिलो होता है, ओके गिलो का पानी, आप मेरा गिफ्ट हो, आप आ जाओ अगर तो, हम ठीक होते ना तो हम पक्का आते हैं। मैं तो एक एक आज पता है पूरे 15 दिन हो गए हम लोग कहीं जा नहीं रहे आ नहीं रहे, मैं ही लास्ट वेडनेसडे एक पार्टी पे गई थी इनको लेके बच्चों को, बस वो जो हम सुहास की पार्टी में गए थे बस, और कहीं नहीं गए, उससे भी पिछले वेडनेसडे तेरी लड़ाई हो गई थी मेरे से, हम तब भी नहीं गए थे, मतलब तो आज पता 40 राउंड अबाउट 1 मंथ, 15 डेज, हाँ 3 वीक्स हो गए बुआ जब से आई थी, 3 वीक्स से हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर का खा नहीं रहे, घर का ही खा रहे हैं, फिर भी देखो बीमार होगी कहीं में, बट शॉप पे तो जाते हो ना, कितने लोगों से मिलते हो, कुछ पता नहीं किसी को क्या वायरल है अपने साथ, क्या इन्फेक्शन है उनके, तो कुछ पता नहीं चलता, दो और चलो ठीक है जी गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को, सतवीर राजपूत जी सॉरी कह रहे हैं, देखो पागल कहना तो बहुत आसान है किसी को, आपने बड़े आराम से बोल दिया किसी को पागल, आपको पता है किसी को पागल बोलने से पहले आप खुद सोचो कि आप खुद क्या। हाय जैस्मिन डार्लिंग, टेक केयर, गेट वेल सून, तो बड़ा दीदी ने मैसेज लिखा है, गेट वेल सून, वेदर इज लाइक दैट वेरी, पता है कितनी शॉपिंग करती है सुमेधा टुटेजा दीदी, वेदर इज लाइक दैट वेरी मेनी पीपल हैविंग हाई फीवर बट गुड रेस्ट एंड हाइड्रेशन विल किक यू बैक फास्ट,
दीदी मैं भी यही कर रही हूँ। मम्मी को नारियल पानी पी रही है, सूप आज पियेंगी। मैं यही कर रही हूँ गाइस, मैं अपने आप को बूस्टअप करने के लिए ना मैं यही कर रही हूँ। मैं इसीलिए स्टोरी से गायब हूँ दो दिन से, मेरे को पता है बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं कितना ध्यान रख रहा है मम्मी का, हाँ बार बार आ जाता है। मैं रोती हूँ ना, मैं करती हूँ अरे मेरे से चला नहीं जा रहा, बाबा जी हेल्प करो, मेरे पास आके बैठ जाए चाटना शुरू करता है जीवों से। मैं कहती हूँ मेरे इसको हटा, मुझे मेरे को इसे हटा, कहती है मेरे को इतना चाटना जा, मेरे को चुके रहे। जब संडे को मम्मी ऊपर नहीं चढ़ पाती थी तो बड़ी कभी खुद नीचे नहीं आता, हम नीचे चले जाएंगे बट खुद आता नहीं है। है मम्मी चढ़ नहीं पा रही, नीचे आके देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, मम्मी क्यों परेशान हो रही है। कितने सारे सॉरी आ गए, सॉरी, कोई बात नहीं, गलती से बोल दिया, अच्छे से बोल दिया, इट्स ओके okay. कोई बात नहीं, आपके कहने से मैं पागल होंगी नहीं और मैं पागल हुई नहीं गाइस, आई एम अ वेरी ब्रेव वुमन। मैं लिपस्टिक नहीं लगाई हुई, अपने आप कट जाएगा, गुड गर्ल मॉम की। हाँ सही बात है, काली कैसे हो गई आप, काली ना करा है मैंने अपने आप को, वो लगाया मैंने कालापन लगा ली, अपनी टी शर्ट को उतार के अपने मुंह से पून दिया था तो मैं काली हो गई, मैंने सोचा काली हो जाती हूँ थोड़ा, मेरा ब्रशर भी आ गया। अच्छा जी, सरब जी ने फोटो भी भेजी थी बेग ब्यूटी के, तो ब्रशर दिखाए थे, आवाज चली गई क्योंकि फोन बज रहा था ना। प्लीज बताओ बी बॉडी बाय सच में हेयर इम्प्रूव हुई है। यस ललिता रिकॉर्ड जी, मैं कोई झूठ, देखो मैं आपको पता है इतना ह्यूमिडिटी वाला वेदर चल रहा है कि बाल इस वेदर में टूटते ही टूटते हैं, टूटते ही हमारे नहीं टूटते, मेरा तो नहीं टूटता, मेहर के देखो बाल गए, बॉडी वाइज की गमी खाती है, इतनी अच्छी हेल्थ होगी इसकी हेयर्स की, मेरी इतनी अच्छी मेरी हेल्थ होगी, मेरा तो अभी मत देखना, मैं तो दो दिन से गाइस झूठ अपना के कहा हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ मुझे पता ही नहीं, मैं कौन सी दुनिया में थी दो दिन बाद, आज ही मैं उठी हूँ, मैं आपने देखा होगा मैं दो दिन से स्टोरीज पे नहीं आई बिल्कुल भी, रैंडमली नहीं तो मैं डेली स्टोरीज प्लिक्स की बनाती हूँ, मैं नहीं बना रही कुछ भी, पी सब कुछ रूटीन मैं अपना पूरा कर रही हूँ, बट आई एम नॉट कमिंग ऑन माई लाइक स्टोरीज क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो पा रही, और मेरे को खुद भी था कि मैं दो दिन सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहूंगा, मैं थोड़ा दूर ही थी दो दिन से, अब नाउ मैं थोड़ा फील बेटर हुई तो मैंने चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। नजर लग गई है दीदी, नजर नहीं लगी है दीदी, लिंक जी पापा डाल रही हूँ मैं, नजर लग गई है आपको, हॉस्पिटल में नो स्पेस, बहुत पेशेंट। हाँ जी हाँ जी, अनीता मम्मा थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज चाहिए मैम, मैं डाल देती हूँ, पागल होता है पास आ गए गले लग जाऊ, पागल होता है पास आ गए गले लग जाऊ, सही बात है प्रिया दीदी जी, आ जाओ मेरे पास और यू कैन हग मी, अभी हग नहीं करना किसी को भी, आई एम नॉट बेटर, क्या हुआ, ओके चलो कोई नहीं, यू विल बाउंस बैक, आजकल नजर लग रही है, नजर नहीं लग रही है, वायरल चल रहा है, हाँ नजर थोड़ी ना लग रही है यार, सारे प्रोडक्ट लेती हूँ जो आप रिकमेंड करते हो गाइस, मैं आपको ये के भी बात बोल रही थी, तो चेंज हो रहा है ना, मैं रिकमेंड ही वही चीजें करती हूँ जो मैं पर्सनली इनटेक करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट डू दैट, मेरे पास इतने हजारों ब्रांड्स पड़े हैं मेरे सामने, हजारों ब्रांड्स आते हैं रोज के, मैं सबको नहीं प्रमोट करती हूँ, जब तक मैं वो यूज नहीं करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मेन बहुत अच्छा जैसे प्लिक्स है, सिरोस्की है, पर्सनल टच के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, ये तो यूज ही पर्सनल टच करती है, इसको बहुत अच्छा लगता है, बॉडी वाइज हेयर कलर खाती है, अभी मैं आजकल नया जो मैं लिप ग्लॉस लगाने लगी हूँ गाइस, वो तो ऑर्गेनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है, बेक ब्यूटी की लिपस्टिक, स्विस ब्यूटी मेरा बहुत अच्छा ब्रांड है, सारे ब्रांड जो मेरे फेवरेट है, भी बहुत अच्छा है नया, जो मेरे अपने पर्सनल बहुत अच्छा, फॉक्सटेल की तो गाइस ये देखो, ये अपने ये नई आईएन के बॉडी अभी अभी लॉन्च भी नहीं हुई गाइस, ये दिखा रही है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, मतलब आप ना महकोगे, बहुत अच्छी है गाइस। कल ना मैडम के पास एक नया प्रोडक्ट आया, पहले ये हम लोग यूज करते हैं तभी हम रिकमेंड करते हैं, मेरे को मैं यहाँ बैठी हुई और मेरे ऊपर इसने सारा लगा दिया, मैंने कहा कितनी जल्दी है, मैं धोके भी नहीं आ सकती हाथ, कह रही मम्मा एक बारी खुशबू लेना गाइस, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस थी उसकी, और वो बॉडी वाइज भी, बॉडी वाइज का ही है,
वो अभी दिखाएंगे नहीं, अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ गाइस, पहले वो यूज करने के लिए शैम्पू, इट वर्क रियली अमेजिंग, डज इट, इट डज देयर वर्क। सिरोस्की का शैम्पू जैसा शैम्पू वर्ल्ड में कोई भी नहीं बना सकता। मेरे को फॉर्म वाला वो जो कल तूने मेरे पे लगाया था वो क्या था, दिखाइयो इनको। बॉडी वॉश था और वो मेरा सिरोस्की का शैम्पू इज अमेजिंग। अभी हम मम्मी हेड वॉश जब कराने जाएंगे तब हम डालेंगे, वर्ल्ड का बेस्ट शैम्पू है एंड इतना रीजनेबल, आप खुद यूज करोगे आपको खुद को पता चलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे चाहिए, जो चाहिए गुरमेर अभी लिंक डाल देगी, हमारा एक चैनल बना हुआ है उसमें लिंक डाल देगी। और जो कल गुरमेर ने मेरे पे डाला है ना, ये पिटेगी गाइस अगर इधर दोबारा डाल दिया तो आज इसकी पिटाई होगी, आज इसकी पिटाई, अगर ये मेरे पे डालेगी तो इसकी पिटाई होगी गाइस। इसने कल ऐसे ही किया था मेरे पे दीदी, मैं कल मरी पड़ी हूँ, मुझे कोई होश नहीं थी, और इस लड़की ने ये मेरे पे सारा यहाँ डाल दिया। कह रही मम्मा आपको सूंघ आ रही है, मैंने कहा नहीं आ रही बिल्कुल, नाक बंद है। कह रही एक बार लेना पास से आके, ये था गाइस फोमिंग बॉडी वॉश है ये। गुदी गुदी मैं अपने आप को गंदा भी नहीं कर रहा, वो भी तंग भी कर रहा, मगर खुशबू इतनी अच्छी है इसकी, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है गाइस, इतनी अच्छी है। मैं गुरमेर ने आज यूज नहीं किया, कह रही मम्मा मैं ना भूल गई यूज करना, तो हम कल यूज करेंगे इसको, पहले हम खुद यूज करते हैं तभी रिकमेंड करते हैं। है क्या गुरमेर, सारे कह रहे बॉडी वॉश, फोमिंग बॉडी वॉश डाल, लिंक डाल दे यार, दिखाइयो एक बार मुझे कैसी बॉटल है, कैन यू शो मी द बॉटल। चल सारे टिशू भी हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा रख भी दिया, दिखाना भी दिया अभी सबको। ये फोमिंग है गाइस, ये बहुत अच्छा बॉडी वॉश आया, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बॉडी वॉश मूव्स है, हाइलुरोनिक एसिड है और बॉडी वॉश मूव्स है, मेंटेन ऑल डे सॉफ्टनेस, नेचुरली नरिश करता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस ही इतनी अच्छी है। अभी गाइस ये गुरमेर अब कल से हम यूज करना शुरू करेंगे, फिर बताएंगे जो जिसको चाहिए हम डाल देंगे। विटामिन ई और सनफ्लावर ऑयल भी है। आये सुष्मिता डार्लिंग, दीदी क्लोथ की लाइफ कब करोगे। भूमिका दीदी ठीक तो होने दो, ठीक तो होने दो भूमिका दीदी, जब जिस दिन ठीक हो जाऊंगी उस दिन तो आऊंगी ना भूमिका दीदी। चलो जी बस मम्मी अब रेस्ट कर सकते हो आप थोड़ा सा। ओके तू दिखा दे एक बार, मुझे चाहिए। ठीक है मैं अभी स्टोरी पे लिंक डाल देती हूँ, इसकी फोटो खींच के ऐसे ही डाल दूंगी लिंक। ठीक है जी, दिस इज द प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ओके जी, विच शैम्पू वॉज इट, कौन सा शैम्पू, वो जो सिरोस्की का, वो भी मैं डाल दूंगी, वो भी स्टोरीज डाल देती हूँ। ठीक है जी मैं डाल देती हूँ स्टोरीज पे, आप लोग स्टोरीज चेक कर सकते हो। कैन यू रीस्टॉक दिस प्लीज, क्या रीस्टॉक करना है जी मेरी। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को बाद में, लव यू।